अनित सिंह जी, जब ये एक्ट आया खास तौर से जिसमें उपराज्यपाल को शक्तियां दी गई, तो कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होती है। अनिल भारद्वाज जी का स्टेटमेंट में पढ़ भी रही थी और उन्होंने खास तौर से समर्थन किया था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। अनिल भारद्वाज जी, मैं जिक्र कर रही हूं उनके नाम का, उन्होंने कहा कि ये विधेयक पास अगर हुआ है तो ये काला दिवस है। बीजेपी पिछली सीट पर बैठकर एलजी के जरिए सरकार चलाएगी और दिल्ली सरकार को हर रोज प्रशासनिक काम के लिए अनुमति लेनी होगी। आप मानते हैं कि यही हो रहा है जिसका डर आप लोग दिखा रहे थे, आपके नेता? जीना जी, देखिए जिस तरीके से हमारे जो चेयरमैन है अनिल भारद्वाज जी, उन्होंने जो ये शक जाहिर किया था, आज वही हो रहा है। हाँ। और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है दिल्ली वासियों के लिए कि किस तरह तरीके से जो एलजी की सरकार है और जो चुनी हुई सरकार है उसमें किस तरीके का द्वंद चल रहा है इस समय, और ये पब्लिक एरिना में किस तरीके से काम चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि सदन की कार्रवाई में क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये समझने की जरूरत है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली जो पावर दी गई है उसको डेलीगेट आप किस इंटेंशन से करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंबेडकर जी ने भी संविधान जब बनाने के बाद अपनी बात ये लिखी हुई है कि जब तक आपके इंटेंशंस क्लियर नहीं रहेंगे तब हम कितना भी अच्छा संविधान लिख दें वो एक अच्छी लिखी हुई बुक से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि एलजी साहब ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया है जब उसने 10 एल्डरमैन के चुनाव किए और जब उन्होंने प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया, लेकिन जो उनके संवैधानिक पद की गरिमा के अनुसार वो निर्णय नहीं लिए गए, उनके जो पावर है उसमें हमें कोई क्वेश्चन नहीं, ऐतराज नहीं है, लेकिन जो 10 एल्डरमैन चुने गए वो किसी पार्टी विशेष के हित में ध्यान में रख के किए गए, जो प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया गया वो किसी पार्टी विशेष के तौर पे किया गया। लेकिन उन सबसे बड़ी बात ये भी है कि हम एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं। अभी देखिए कि जिस तरीके से कल मनीष सिसोदिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कही और एक अभी हमारे मित्र आम आदमी पार्टी के मित्र इसका जिक्र भी कर रहे थे कि एक अधिकारी के तौर पे मुख्यमंत्री को कैसे चिट्ठी लिख सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस अधिकारी ने किसी मुख्यमंत्री को लेटर नहीं लिखा है। अगर आप उसके एड्रेस देखेंगे कि किसको एड्रेस किया गया है, तो कल मनीष सिसोदिया जी भी यही गलत कोट कर रहे थे, उसमें अरविंद केजरीवाल जो एक संयोजक है आम आदमी पार्टी के, उसको एड्रेस किया गया है। और किसी भी पार्टी में अगर अनियमितता इस तरीके की रहेगी तो जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो यहां पे मिनिस्ट्री है उसके अधिकारी आपको लेटर लिखने का हक रखते हैं, और यही किया गया है कल। देखिए हर चीजों को अलग अलग पैमाने में हमें देखने की जरूरत है। एलजी साहब ने जो संवैधानिक पद पे रहते हुए उसकी गरिमा का ध्यान नहीं रखा है उसको भी हमें क्रिटिसाइज करने की जरूरत है। और सरकार के तौर पे अनित सिंह जी, मैं आपकी बात को ऐसे मानूं कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग वो कर रहे हैं? जीनत जी देखिए, ये उनका प्रोवोगेटिव है, वो अपनी शक्ति इसमें लीगैलिटी, भाई मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, ये उनका अधिकार है और ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब वो अपने इस एलजी के उपराज्यपाल के एक संवैधानिक पद पर, इतने बड़े पद पर, दिल्ली के फर्स्ट सिटीजन के तौर पर इन्वॉल्व है, तो जो उनको जो भी उनके काम में संवैधानिकता नजर आनी चाहिए वो नहीं है। जो 10 एल्डरमैन के चुनाव किए गए वो किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाते हैं, ये गलत है संवैधानिक तौर पे, लेकिन इसमें लीगैलिटी कहीं नहीं है, हम उनको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अपेक्षा करेंगे कि एलजी साहब अपने विवेक का निर्णय ले और इस तरीके की जो कॉन्शियस डिसीजन है उसमें अच्छाई को उनके झलकनी चाहिए। जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर का निर्णय लिया गया वो भी गलत है, और कई सारे जैसे आप एल्डरमैन के किस जोन में सिलेक्शन होती है, ये सब कहीं ना कहीं दिखाती है कि पार्टी विशेष को फायदा दे रहा है। उसके बावजूद हमें सरकार को भी देखना पड़ेगा, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, अरविंद केजरीवाल साहब वहां पे मिलने के लिए जाते हैं, 2000 लोग एलजी साहब के घर का घेराव करते हैं, ये किस तरीके का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है? देखिए बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, आप बातचीत करके आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, किस इस तरीके से रिफ्ट पैदा हो रही है, दरार पैदा हो रही है जो दिल्ली वासियों के लिए नहीं, सही नहीं, तो, है। तो इसको मैं ऐसे मानूं कि आप ये कह रहे हैं कि ये खुद भी नहीं चाहते कि विवाद सुलझे? बिल्कुल नहीं चाहते। मैं बता रहा हूं कि जब इन्होंने एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मनीष सिसोदिया साहब एक आईएएस अधिकारी का नाम कैसे ले सकते हैं, जबकि वो उन्होंने अपने राइट का सही इस्तेमाल किया है। कोई पार्टी के मुखिया को लेटर लिखना क्या गलत है? अगर वहां पे आपको पाया जाता है कि आप सरकारी धन का गलत उपयोग कर रहे हैं, इसमें क्या? लेकिन आज तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहे जैस्मिन शाह का दफ्तर सील करना हो या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जिक्र करें या फिर हम 164 करोड़ की वसूली का जिक्र करें या फिर टीचर्स को नहीं भेजा जा रहा है, सब सब में दुरुपयोग हुआ है मैडम, सब में गलत है।
आप देखिए, अगर टीचर्स के लिए, आप अगर एक अभिभावक के तौर पे अगर सरकार ये निर्णय लेती है लोगों को भेजना है, सरकार ये निर्णय लेती है कि मुख्यमंत्री को सिंगापुर जाना है, कोई भी डिसीजन हो उसमें एक अभिभावक के तौर पे उनको जानकारी अगर चाहिए तो जानकारी मांग सकते हैं। अगर है। वो इसका चाहते हैं कि इसका वित्तीय लेखा जोखा इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप है। जो भी नटशेल में आप उनको प्रोवाइड करिए, ये कंडीशनल, ये रोका नहीं करना जाना। ठीक है, ठीक है, मुझे क्योंकि ब्रेक लेना, मैं एक बार बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया ले लूं। अच्छा ठीक है सर।